Hello friends, welcome to AKB Machines. Now we are going to show you how swiftly, how fast we can do batch coding. So I'm going to start the machine and you will see the speed of printing. So here we go, starting the machine now. And you can see on your mark, get set and go. You can see the speed, how fast it's getting printed, and you can see the crisp, the quality of the print. Over here, you can see the quality. Each and every print is so crisp quality, and perfectly it is being printed. So, you can see just within a minute, just in around 40 seconds, it printed around 20 boxes. So fast it printed. So similarly, you can print mineral water bottles as well as soft drink bottles. You can print on the cap of these bottles as well as any other packaging materials. You can print on stickers, on boxes, on metal containers, on metal caps, on each and every object. You can print on wooden caps also. So with this high speed batch coding system, you can very, very much efficiently print all kinds of materials. We will show you. Look at the quality. It is dark, it is crisp, it is a fast drying. It doesn't get erased very easily. Here we are. So friends, this is a very affordable machine and it's a hybrid model. You can even remove it and you can do it manually as well. We are providing you this machine with two batteries and sensor. You can either start with this single machine, and once your production increases, you can get a conveyor belt as well as the stand, and you can automize your function with this model. Thank you so much. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू AKB Machines. AKB Machines में आपका स्वागत है. ये ऑनलाइन बैच कोडिंग सिस्टम है जिसमें एक हाई स्पीड कन्वेयर बेल्ट मिलेगा, एक बैच कोडिंग हैंड हेल्ड मशीन मिलेगी विथ सेंसर एंड स्टैंड आपके साथ मिलेगा. इसमें ये हाइब्रिड मॉडल है, इसको आप निकाल के मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें हमने अभी एक सेटिंग दिया हुआ है बैच कोडिंग का, जिसमें क्वांटिटी, अमाउंट एंड डेट, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे डाली हुई है. और ये पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स भी हम आपको दिखा देते हैं एग्जिट करके. ये पैरामीटर्स है, डेंसिटी हमने 3 रखा हुआ है, डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मोड कॉन्स्टेंट स्पीड एंड फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्शन. ये मोड बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन सिस्टम में. नोजल जो है वो लेफ्ट ओनली. प्रिंट स्पीड जो है वो हमने 2500, ये हमने प्रिंट स्पीड रखी हुई है. स्टार्टिंग में हम स्पीड स्लो रखने वाले हैं, इसलिए हमने 250 की स्पीड रखी हुई है. प्रिंट डिले को हमने 0 रखा है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट हमने सेंसर को प्लेस किया हुआ है, जो कि कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ पे ही इमीडिएट सेंस होगा और प्रिंट होगा. दैट्स वाई प्रिंट डिले जो हमने 0 रखा हुआ है. प्रिंट टाइम्स हमने फुल रखा हुआ है. इस प्रकार अभी आप यहाँ पे जो हमने बैच कोडिंग के लिए जो हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो हम प्रिंट करके दिखाएंगे आपको. पहले हम मशीन को स्टार्ट करेंगे. पहले सबसे पहले हम दोस्तों मशीन का स्पीड जो है ये हमने लेस देन 10 रखा है. लो स्पीड पे हम आपको करके बताएंगे पहले. और हम अभी मशीन को स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हमने
एकता चोकोबार बॉक्स जो है ये हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे हमको प्रिंट करना है। ओके, सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप सेटिंग भी देख सकते हैं, जो सेंसर है वो इमीडिएटली यहाँ पे दिया हुआ है और मैं अभी स्टार्ट करूँगा मशीन। अभी आप देखिएगा ये नीचे जा रहा है, सेंसर सेंस कर रहा है। हमने अभी स्टार्ट किया है, अब देखिए क्रिस्प क्वालिटी में प्रिंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली प्रिंट हो रहा है, ये आप देखिए। इस प्रकार आप हाई क्वालिटी प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेबी मशीन्स। एकेबी मशीन्स में आपका स्वागत है। दिस इज ऑनलाइन बैच कोडिंग सिस्टम। ये ऑनलाइन बैच कोडिंग सिस्टम है जिसमें डेट, एक्सपायरी डेट, MRP, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्वांटिटी, आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं। सिस्टम फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे हमने फिलहाल क्वांटिटी, MRP और डेट डाला हुआ है। ये बॉक्स के ऊपर हम प्रिंट करने वाले हैं। ये एकता चोकोबार बॉक्स है। इस पर अभी ये जो एरिया है इस एरिया के हिसाब से हमने सेटिंग किया हुआ है और जो स्पीड है हमारी वो 30 की रहेगी। 30 की कन्वेयर स्पीड के ऊपर हम काम करने वाले हैं। सेटिंग हम आपको एक बार दिखा देंगे। यहाँ पे सेटिंग रहती है एग्जिट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के अंदर यहाँ पे आपको जो प्रिंट स्पीड है वहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। हमने प्रिंट स्पीड 100 का रखा हुआ है क्योंकि कन्वेयर की स्पीड हमने 30 की रखी हुई है। कन्वेयर की स्पीड जितनी बढ़ेगी इतना प्रिंट स्पीड यहाँ पे कम होगा। अगर कन्वेयर की स्पीड 10 अगर हम डालेंगे तो यहाँ पे जो स्पीड है वो अराउंड 2500 का हो जाएगा। तो इस सेटिंग के ऊपर ही पूरा खेल निर्भर होता है। बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। और यहाँ पे और एक मोड है, ये मोड हमें चेंज करना रहता है। ये कांस्टेंट स्पीड और फोटो इलेक्ट्रिक डायरेक्शन, ये मोड हमें चेंज करना रहता है। ऑलराइट, अभी हम प्रिंट देंगे। तो दोस्तों हमने स्पीड कंट्रोल 30 का दिया हुआ है। अभी हम स्टार्ट करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा पहले हमें यहां पे ड्रॉ और प्रिंट का बटन दबाना पड़ेगा। अभी रेडी टू प्रिंट, आप देख सकते हैं सेंसर का भी प्लेसमेंट देखिए आप। ऑलराइट, अभी मशीन चालू होगा। अब देखिए आप ये देख सकते हैं हमें आपको बताएंगे कितनी फास्ट प्रिंट हो गई। इतनी जल्दी लगभग 10 बॉक्सेस जो है वो प्रिंट हो चुके हैं। आप देखिए
आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, आपको थोड़ा, आपको अगर इसका डायरेक्शन अपर लेवल पे डालना है, आपको लेफ्ट साइड पे डालना है, यहाँ पे आप सारी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग की हुई है, आप सेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए कितना हाई क्वालिटी में प्रिंट हुआ है, आप क्वालिटी देखिए, और फास्ट ड्राइंग है, ये फास्ट ड्राई इंक है, ये रब नहीं होता है। अब देखिए हम घस के रब कर रहे हैं लेकिन रब नहीं हो रहा है, इमीडिएट इंक सूख चुका है।